नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुखराज रत्न के कलर के विषय में। पुखराज रत्न का कलर वास्तव में कैसा होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं सफ़ेद पुखराज पहनिए, कुछ ज्योतिषी सलाह देते हैं गुलाबी पुखराज पहनने की। तो धर्मशास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, और यदि आप पुखराज रत्न धारण करते हैं या करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वास्तव में धर्मशास्त्रों में किस प्रकार के पुखराज का वर्णन मिलता है, किस देश का पुखराज सबसे बेहतर होता है, और छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी कौन सी कमियां हैं जो पुखराज रत्न के अंदर होने से उसके प्रभाव को बिल्कुल शून्य कर देती है। तमाम तरह की परिचर्चा इस रत्न के बारे में आज करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में सबसे बेहतर पुखराज श्रीलंका से आता है, उसको सिलोन का पुखराज भी बोलते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेहद चिकना पत्थर होता है, यह हल्का पीला और गाढ़ा पीला दो कलर में पाया जाता है। जो लोग कहते हैं कि सफ़ेद पुखराज धारण करने को हमें बताया गया है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वास्तव में माइन से जो पत्थर निकलता है जहाँ से पीला होता है वह पुखराज होता है, जहाँ से उसके अंदर नीलिमा होती है वह नीलम होता है, जहाँ से वह पत्थर सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है या अन्य किसी भी आउट कलर में होता है वह सारा वेस्टेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, वह किसी भी ग्रह को प्रभावित नहीं करता। बात स्पष्ट है कि आपके रत्न का कलर, आपके पुखराज का जो कलर है वह लाइट हो या डार्क हो, दोनों कलर प्रभावशाली होते हैं, लेकिन पीला ही होना चाहिए, उसमें पीत आभा होनी चाहिए। जिस पुखराज का जो रंग है वह गुलाबीपन पर चला गया, सफ़ेदी पर आ गया, थोड़ा ग्रीननेस उसमें आ गई, हरापन आ गया, तो वह किसी भी मतलब का नहीं रहता, वह रत्न ग्रह के प्रभाव को नहीं दे पाता। ऐसे रत्न को आप ज्वेलरी के लिए धारण कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से वह रत्न नहीं पहना जाता। प्रिय साथियों, पुखराज रत्न के अंदर किसी प्रकार के आउट कलर, दूसरे रंग के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। मान लिया आपका पुखराज पीला है, उसमें गुलाबी नीले किसी प्रकार के छींटे नहीं होने चाहिए, वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर स्क्रैच नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा रत्न ही आपको अपना संपूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो साथियों, आज का हमारा बहुत छोटा सा विषय था, आपका रत्न आउट कलर नहीं होना चाहिए, उसमें पीत आभा है तो वह पुखराज है, पीत आभा उसके अंदर नहीं है तो वह पुखराज नहीं है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।